अंदर पहुंच चुके आप लोग देख सकते हो सामने ही एक काबा है। आप यहाँ पर अभी हम लोग सब जमजम का पानी पी रहे, मैंने भी ले चुका, मैं भी पी लेता हूँ। क्लॉक टावर आप लोग को दिखता होगा, बट अभी हम मक्का मदीना, और वहां से मैं आप लोगों को सारी डिटेलिंग में बताऊंगा और उमरा के जो भी प्रोसेस रहेंगे, जैसे जैसे स्टेप रहेंगे, क्या क्या करना रहता है, क्या क्या चीजें नेसेसरी है, और सारी चीजें बताऊंगा। तो अभी मैं फिलहाल तो एहराम पहना हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, इसके बिना उमरा नहीं है। तो फिर अभी हम लोग चलते हैं फिलहाल मक्का मदीना और देखते हैं। तो यहाँ से ना कुछ आधे घंटे का रास्ता है, तो शायद से हम लोग टैक्सी करेंगे वरना बाय वॉकिंग जाएंगे। अगर टैक्सी करेंगे तो आप लोग को वो भी पता चल जाएगा, अगर वॉकिंग जाएंगे तो वो भी आप लोग को पता चल जाएगा। आप लोग को टावर नहीं दिखता होगा, बट जैसे जैसे करीब जाऊँगा ना वो देखो आप लोग को मीनार दिख भी रहा है नहीं दिख रहा है मेरे को नहीं पता, वहाँ पर करीब जाऊँगा तो आप लोग और अच्छे से दिखाऊंगा। तो बस आप लोग ब्लॉग को देखते रहना और इन्जॉय करते रहना, अभी हम लोग चलते हैं उधर और सारी चीज़ें देखते हैं। कैसे हम लोग पैदल जा रहे हैं मक्का मदीना तक का, मतलब मक्का तक का। सो आप लोग पूरा स्ट्रीट देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा शांति, क्योंकि रात के कुछ 2 बज रहे और हम लोग रात में इस वजह से कर रहे हैं यार, इतनी ज़्यादा गर्मी ना यहाँ पर, इस वजह से रात में करना पड़ रहा है। इस वो रहा क्लॉक टावर, जो मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है यार। देखो कितने करीब से, मतलब माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है ना यार। अभी हम लोग अंदर जाके भी इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से, बहुत ही करीब से देख रहे हैं। अभी अंदर जाते और अच्छे से देखते। हम लोग ने मेन रोड क्रॉस करने के बाद अंदर है, और अंदर से देखो यहाँ से पूरा स्टार्टिंग होता है। क्लॉक टावर आप लोग को दिखता होगा, बट अभी हम लोग अंदर जाकर मैं आप लोग को मक्का का भी पूरा बताता हूँ। सो हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं। हेलो गाइस, आप लोग को एकदम अभी क्लोज व्यू दिखता होगा ये क्लॉक टावर का, और वाइड एंगल पे कर दो तो थोड़ा ऐसा। सो हम लोग यहाँ से एंट्री लेते हैं, और ये ना मक्का का बैक है, फ्रंट आगे, मतलब ये पूरा बैक एरिया आप लोग देख सकते हो यहाँ से। मैं आप लोग को पूरा थोड़ा 360 करके दिखा देता हूँ यहाँ से। तभी हम लोग अंदर भी जाएंगे, आप लोग को फ्रंट एरिया भी बताऊंगा, बट अभी ये बैक एरिया, जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया क्लॉक टावर है, और यहाँ से मतलब एंट्री मेन गेट के बाद ये गेट आता है। तो फिर अभी हम लोग अंदर चलते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं। अभी आप लोग अंदर देख सकते हैं, अभी हम लोग सब अंदर आ चुके हैं, और माशाल्लाह क्राउड बहुत ज़्यादा है, बट ये कुछ नहीं है, मतलब इससे भी ज़्यादा क्राउड रहता है। ये देखो पूरा मैप है यहाँ पे। सो अभी हम लोग अंदर चलते हैं और मैं आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ से आप लोग क्लॉक टावर दिखता होगा। देखो यार यहाँ पर अभी हम लोग सब जमजम का पानी पी रहे, मैंने भी ले चुका, मैं भी पी लेता हूँ। अभी हम लोग सब चलते चलते जा रहे मेन काबा की तरफ। ऐसा बोलते हैं जब काबा को देखते हो ना, तो अगर आप आपके दिल में जो भी दुआ रहेगी अगर आप मांगोगे ना, तो 101% पूरी होने वाली है। तो मैं मांगूंगा, ज़रूर से मांगूंगा, और देखते हैं मैं क्या मांगूंगा, मेरे को पता है क्या मांगना, बट बताऊँगा। अभी हम लोग चलते हैं, इंशाल्लाह अभी हम लोग देखते हैं, और मैं आप लोग को भी वहाँ का बताता हूँ। तो गाइस आप लोग को यहाँ से पहली झलक दिखती होगी, बट मैं आप लोग को और अच्छे से दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा क्राउड है, देख सकते हो। तभी भी मेरे से जितना शो होगा मैं उतना शो करने की पूरी कोशिश करूँगा। गाइस पता है जस्ट हम लोग एकदम जस्ट सामने बैठे हैं, बट अभी एंट्री बंद है, क्योंकि तहज्जुद की नमाज के बाद ना हम लोग को अंदर एंट्री मिलेगी, और अंदर जाके हम लोग तवाफ करेंगे जो 7 राउंड लगाना रहता है। तो फर्स्ट स्टेप होगा, और आप लोग बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, अभी तहज्जुद की नमाज़ हो रही ना, इस वजह से हम लोग को अंदर जाना अभी के लिए फिलहाल के लिए बंद है। तो जैसी नमाज होगी तो वैसे ही हम लोग अंदर घुसेंगे, और आप लोग को वैसी बताऊंगा जब तक अभी मैं सीढ़ी पे बैठा हूँ। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग अंदर पहुंच चुके, आप लोग देख सकते हो सामने ही एक काबा यार। आप लोग भी दुआ मांग लो मेरी वीडियो के जरिए, अल्लाह ताला ज़रूर आपकी सुनेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ेंगे, और आप लोग को स्लोली बोलो कि आप लोग समझ सकते हैं, अभी तवाफ भी करेंगे यहाँ से। سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح
وبث الدعاء الخفي الصريح يساك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطيب القروح. गाइस अभी हम लोग फिलहाल सेकेंड फ्लोर पे जा रहे हैं. सेकेंड फ्लोर पे जाके शायद से रिटर्न से तवाफ़ करना है. अगर करना रहेगा तो मैं आप लोग को बताता हूँ, बट अभी फिलहाल के लिए हम लोग सेकेंड फ्लोर पे जाते हैं और आप लोग को ऊपर से मक्का का व्यू ज़रूर से दिखाऊंगा. आप लोग देखो सेकेंड फ्लोर से व्यू थोड़ा वन एक्सपे करके दिखाऊंगा, कितना प्यारा लग रहा है. अगर हम उधर से खड़े रह के देखें ना तो और अच्छा लगेगा. अभी फिलहाल अभी हम लोग उधर जा रहे हैं, थोड़ा स्टोन टाइप का देखो बना हुआ रहेगा, आपको दिखता होगा, वहाँ पे जाके आप लोग को बताता हूँ. अभी हम लोग को फिर से एक और बार तवाफ़ करना है. इस जगह का नाम सफ़ा है, आप लोग देख सकते हो कि फिर से कर रहे हैं, फिर से करेंगे तवाफ और आप लोग को बताते रहूँगा. बहुत ज़्यादा क्राउड ही है और आप लोग सिर्फ देख रहे हो क्राउड, मतलब कितने लोग तो दौड़ के आ रहे हैं. आप लोग को दिखाता हूँ दूर दूर से. अभी हम लोग भी करते हैं यार, अब क्या करेंगे, करना तो पड़ेगा ना गाइस. मतलब हम लोग का सफ़ा भी कंप्लीट हो गया, 7 राउंड लगाने थे टोटल और मतलब उमरा कंप्लीट हो गया. अब रही बाल कटाने की बारी तो टकला होना पड़ेगा पूरा, मैं आप लोग को बताऊँगा. यार आप लोग सब देख सकते हो अभी जस्ट हम लोग बस उमरा करके एग्जिट हुए यहाँ पे और पूरा यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा रहा है. और अभी तो यार मैं फिलहाल हेयर कट पूरा टकला होने जा रहा हूँ, देखना कि मैं टकला के कैसा लग रहा है. तो चलो चलते हैं और पूरे बाल को छिलवा लेते हैं, तो बिल्कुल रहेगा ही नहीं बाल. फाइनली टोटली उमरा कर चुके, मैं टकला भी के भी कैप लूँगा. बहुत ही वियर्ड लग रहा है क्योंकि जब मैं छोटा था तब हुआ करता था और अभी कुछ 8-9 साल बाद हो रहा हूँ, बट कोई नहीं. चलो अभी हम लोग कुछ नाश्ता करेंगे फिर उसके बाद घर जाएंगे. अदर रो रहा है यार, ये डर भी लगता है इससे लेने के लिए, इसका टकला करा दी ना इस वजह से. तो अभी हम लोग चल ही रहे, देखो टकले हो के ये टकला, ये भी टकला, मैं भी टकला. आपको तो दिखाया था बट मैं अभी ऐसा हूँ, सच कैप ले लूँगा, सही दिखूँगा यार और क्या. तो यार मुझे पता है कि आज का व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया है, तो मैं इसको और बड़ा कर सकता था. अभी घर जाके खाता पीता वो सारी चीज़ें भी दिखाता, बट मैं सोचा इसको इधर ही इतने अच्छी जगह पर, इतने अच्छी प्लेस पर, इतनी अच्छी कंट्री में, मतलब इतने इस्लामिक एरिए पर इस व्लॉग को एंड करता हूँ. एंड होप फॉर दी बेस्ट यार, अच्छा रिस्पॉन्स है. सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बहुत जल्द मिलेंगे और बहुत ही फ्रेश वीडियो के साथ. तब तक आप लोग बने रहिएगा और देखते रहिएगा. अब मेरा टकला मत देखिए, वैसे मैं कैप पहन के अगली बार से वीडियो बनाऊंगा, बट अभी फिलहाल लिया नहीं हूँ ना इस वजह से. बाय बाय.